नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्काई एजुकेयर में। दोस्तों, मनोविज्ञान की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी, इसी टेस्ट सीरीज का चौथा भाग पार्ट नंबर 4 आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। इससे पहले के जो 3 भाग हैं वो आप हमारे स्काई एजुकेयर चैनल पर मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट है वहां से देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अधिगम। इस वीडियो सीरीज में हमने अधिगम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपके मन में हमारे वीडियो को लेकर, हमारे चैनल को लेकर कोई भी सजेशन है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अधिगम नहीं है, अधिगम क्या नहीं है? ऑप्शन देखते हैं हम। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी परिवर्तन, ऑप्शन सी बिना अभ्यास व अनुभव के व्यवहार परिवर्तन, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। अधिगम क्या नहीं है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बिना अभ्यास व अनुभव के व्यवहार परिवर्तन अधिगम नहीं है। तो अधिगम क्या है कि अधिगम से अभिप्राय अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से है, यानी कि अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वह अधिगम कहलाता है। मनोवैज्ञानिक भाषा में सीखने को ही अधिगम कहते हैं, सीखना जो लर्निंग होता है उसे ही हम अधिगम कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में कह रहा है सत्य नहीं है। आजकल जो क्वेश्चन आते हैं उनमें मोस्टली यही लिखा हुआ होता है नहीं है, आप इसी बात पे ध्यान दीजिएगा। हम जल्दबाजी में इसको नहीं पढ़ पाते और हमारा आंसर गलत हो जाता है, तो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और सही आंसर कीजिएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ऑप्शन बी है, बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं। ऑप्शन सी है, बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ऑप्शन डी है, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। हमें यह बताना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, इस संबंध में जो सत्य कथन नहीं है हमें वह बताना है, और वह कथन है ऑप्शन डी कि बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। यह कथन गलत है और आंसर सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पूजा प्राय जल्दी उठने के लिए सुबह 4 बजे का अलार्म भरती है और अलार्म बजने पर वह उठ जाती है। 3-4 दिन बाद वह अलार्म बजने से पहले ही उसकी नींद खुल जाती है। यहां अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए उद्दीपन अनुक्रिया, ऑप्शन बी शास्त्रीय अनुबंध, ऑप्शन सी व्यवस्थित व्यवहार, ऑप्शन डी अंतर्दृष्टि। यानी कि पूजा जल्दी उठने के लिए अलार्म तो भरती है, अलार्म से वो उठ जाती है, 3-4 दिन बाद अलार्म बजने से पहले उसकी नींद खुल जाती है। यह अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी शास्त्रीय अनुबंध। यह अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? शास्त्रीय अनुबंध। शास्त्रीय अनुबंध जो सिद्धांत है पावलोव ने दिया था, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को परंपरागत अनुबंधित सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, कंडीशन रेस्पॉन्स का सिद्धांत, प्रतिक्रिया का सिद्धांत, संबंध सहज प्रतिक्रिया का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। देखिए, पावलोव के सिद्धांत को कितने नामों से जानते हैं आप, इन सबके नाम ध्यान रखिएगा कि जो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है इसको परंपरागत अनुबंधित सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी या कंडीशन रेस्पॉन्स का सिद्धांत, प्रतिक्रिया का सिद्धांत और संबंध सहज प्रतिक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी गुथरी, ऑप्शन डी स्कीनर। सही आंसर देख लेते हैं हम। सही आंसर है हमारा
ऑप्शन सी गुथरी। गुथरी ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। देखिए, एडविन गुथरी ने स्थानापन्न, प्रतिस्थापन या समीपता का सिद्धांत दिया। ये एक ही सिद्धांत के नाम है। एडविन गुथरी ने जो सिद्धांत दिया था उसके नाम है स्थानापन्न सिद्धांत, प्रतिस्थापन सिद्धांत या समीपता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य अनुबंधन पुनर्बलन के द्वारा नहीं होता, बल्कि उद्दीपन व अनुक्रिया के मध्य समीपता के आधार पर होता है। यानी कि इसमें रेनफोर्समेंट या पुनर्बलन देने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसे उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से निर्देशित करता है? ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए, अधिगम एक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, अधिगम एक उत्पाद है। ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, यानी कि अधिगम एक प्रक्रिया भी है और अधिगम एक उत्पाद भी है। ऑप्शन डी, कभी ए कभी बी, यानी कि कभी अधिगम एक प्रक्रिया है और कभी अधिगम एक उत्पाद है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, अधिगम एक प्रक्रिया है। देखिए, सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम अभ्यास तथा अनुभव पर निर्भर करता है। अधिगम व्यवहार का संगठन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। भोजन, पैसा, प्रशंसा आदि क्या है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए सामाजिक पुनर्बलन, ऑप्शन बी धनात्मक पुनर्बलन, ऑप्शन सी ऋणात्मक पुनर्बलन, ऑप्शन डी क्रियात्मक पुनर्बलन। भोजन, पैसा, प्रशंसा क्या है? धनात्मक पुनर्बलन है। देखते हैं पुनर्बलन क्या होता है कि पुनर्बलन शब्द अधिगम के मनोविज्ञान से लिया गया है। पुनर्बलन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें छात्र यदि कोई शिक्षण कार्य कर रहा है तो शिक्षक उसे शाब्दिक और अशाब्दिक रूप से पुनर्बलित करता है। इससे बालक की प्रतिक्रिया शक्ति को बढ़ावा मिलता है। यानी कि कोई जब हमें शाबाशी देता है या कोई हमें दंड देता है तो उससे हमें क्या होता है, शिक्षण कार्य की करने की जो शक्ति है वो प्रभावित होती है और उसे ही पुनर्बलन कहा जाता है। देखिए, धनात्मक पुनर्बलन ऐसा पुनर्बलन है जो शाब्दिक या अशाब्दिक किसी भी रूप में हो, इसके माध्यम से बालक की उपलब्धि पर बढ़ावा हो, उसे धनात्मक पुनर्बलन कहते हैं। यानी कि भोजन, पैसा और प्रशंसा क्या है? धनात्मक पुनर्बलन है। इससे बालक की उपलब्धि को बढ़ावा मिलता है। इसके विपरीत जिससे बालक की उपलब्धि कम होती है वो ऋणात्मक पुनर्बलन होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? मनोवैज्ञानिक जो अल्बर्ट बंडूरा है उनका सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए व्यवहारात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन डी मनोसामाजिक सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा का संबंध किससे है? ऑप्शन सी सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है अल्बर्ट बंडूरा। देखते हैं जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा ने किया, इनके अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। व्यक्ति कैसे सीखता है? अवलोकन से, नकल से और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान से। समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है। और इनके सिद्धांत का नाम था सामाजिक अधिगम सिद्धांत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था उसके अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? ऑप्शन है हमारे,
ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन सी अमूर्त संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन डी संवेदी चालक अवस्था। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। अमूर्त संक्रियात्मक स्तर है वह अवस्था जो होती है 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है, संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था की जो विशेषताएं हैं वह निम्न है, तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास होता है, समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है, वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास और परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास। यह सब अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में होता है 11 से 15 वर्ष की अवस्था में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से अधिगम सीखने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए अच्छा शैक्षिक वातावरण, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी शिक्षण विधि, ऑप्शन डी शिक्षक। अधिगम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन बी सही आंसर है हमारा अभिप्रेरणा। देखिए अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, सीखने के लिए बच्चों को प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक है। इसे सीखने का राजमार्ग भी कहा गया है। इसीलिए समय समय पर प्रशंसा प्रोत्साहन तथा प्रतियोगिता के आधार पर सीखना चाहिए जिससे वह सुगमता से सीख सके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अधिगम के सुव्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए बांडूरा, ऑप्शन बी कुर्ट लेविन, ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी क्लार्क हल। अधिगम का सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी क्लार्क हल ने। क्लार्क हल ने कौन सा सिद्धांत दिया? सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार आवश्यकता अधिगम का आधार है, अर्थात आवश्यकता ही चालक है। आवश्यकता पूरी होते ही चालक कम हो जाता है जिससे अधिगम की दर कम होने लगती है। इस सिद्धांत को विधिक सिद्धांत और प्रबलन का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। हम हल्के जो प्रबलन सिद्धांत है उसी का ही दूसरा नाम है सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, और उन्होंने बताया कि आवश्यकता ही अधिगम का आधार है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सहायक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सहायक नहीं है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए कक्षा की समूह गतिशीलता को जानने में, ऑप्शन बी व्यक्तित्व विभिन्नता को पहचानने में, ऑप्शन सी अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में, ऑप्शन डी अधिगमकर्ता के विकासात्मक विशेषताओं को पहचानने में। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में। देखिए अभिक्षमता क्या होता है? एप्टीट्यूड। इससे आशय निश्चित प्रकार के कार्य को कर सकने की क्षमता है। इसे योग्यता माना जा सकता है। अभिक्षमता जन्मजात प्रकृति की है, न कि कुछ प्राप्त की गई या सीखी गई। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान का जो निहितार्थ है वह अध्यापक के लिए सहायक नहीं है, यानी कि अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में सहायक नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सामने प्रस्तुत किया जाए समग्र रूप, यानी कि एक साथ बच्चों के सामने सारा मैटर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उसे टुकड़ों में नहीं प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ऐसा अधिगम का कौन सा सिद्धांत बताता है? ऑप्शन देखते हैं हम, ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, ऑप्शन बी सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, ऑप्शन सी अनुकरण सिद्धांत, ऑप्शन डी प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत। देखिए अंतर्दृष्टि या जो सूच का सिद्धांत है इसका शिक्षण में क्या उपयोग है कि बालकों के सामने संपूर्ण समस्या को एक साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जैसा कि हमने क्वेश्चन में पूछा समग्र रूप में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अध्यापक द्वारा
सीखने से पहले बालकों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न कर देनी चाहिए, जिससे कि बालकों के अंदर सूझ उत्पन्न हो सके, यानी कि कोई भी समस्या है, कोई भी मैटर है, उससे आपको बच्चों के सामने एक साथ ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि टुकड़ों में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कक्षा 7 का वीर प्रारंभिक पाठों को तो तीव्र गति से सीखता है, परंतु धीरे धीरे उसके सीखने की गति कम हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि कितने भी प्रयास करने पर वह अधिक नहीं सीख पाता, यह प्रक्रिया है। एक बालक है वीर, प्रारंभ में तो ठीक से सीख पाता है, परंतु धीरे धीरे उसे सीखने की गति कम हो जाती है, यह प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए मानसिकता, ऑप्शन बी अधिगम पठार, ऑप्शन सी प्रत्यक्षण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी अधिगम पठार। अधिगम पठार क्या है कि जब हम किसी कार्य को सीखते हैं तो हम उसमें लगातार उन्नति नहीं करते, कभी कभी उन्नति कम और कभी ज्यादा होती है, और कुछ समय पश्चात एक ऐसा समय आता है जब उन्नति बिल्कुल रुक जाती है। इस सपाट स्थल को अधिगम का पठार कहते हैं, यानी कि आपकी जो सीखने की गति है वह ना तो बढ़ती है ना कम होती है, एकदम स्टेबल हो जाती है, रुक जाती है, उसे ही हम अधिगम का पठार कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्न में से निहितार्थ है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को हमें देखना है। इसके ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए, ऑप्शन बी उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाए, ऑप्शन सी प्रवृत्ति को रोचक बनाइए, ऑप्शन डी विद्यार्थी को बार बार प्रयत्न करवाए। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाए। किस सिद्धांत के अनुसार? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का कक्षा शिक्षण में क्या प्रयोग है कि किसी भी अच्छे कार्य के लिए सकारात्मक पुनर्बलन देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि बालक की प्रशंसा करनी चाहिए, उसे पुरस्कार देने चाहिए, और गलत कार्य के लिए ऋणात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, यानी कि उसने कोई गलती की तो उसको दंड देना चाहिए, सजा देनी चाहिए, गलत कार्य के लिए ऋणात्मक पुनर्बलन देकर घटाना चाहिए। इस सिद्धांत के द्वारा शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान बालकों में विभिन्न कौशलों को जागृत करता है। बालक में जो स्किल डेवलपमेंट है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के आधार पर शिक्षक कर सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। पावलोव के सिद्धांत में होता है, पावलोव के सिद्धांत का क्रम क्या होता है वह हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए यूसीएस प्लस सीएस प्लस यूसीआर। देखिए कई बार ऑप्शन इंग्लिश में भी आ जाते हैं और यह सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि पावलोव के सिद्धांत का जो क्रम है वह कैसे होता है। एक बार ऑप्शन रिपीट कर देते हैं। ऑप्शन ए है यूसीएस प्लस सीएस प्लस यूसीआर, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस, फिर कंडीशनल स्टिमुलस और फिर अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। ये इसका क्रम सही है क्या? ऑप्शन बी है अनकंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल रेस्पॉन्स। ऑप्शन सी है सीएस, यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस, फिर अनकंडीशनल स्टिमुलस और फिर अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। ऑप्शन डी है सीएस प्लस यूसीएस प्लस सीआर। हमें पावलोव के सिद्धांत का जो क्रम था वह हमें बताना है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी सीएस प्लस यूसीएस प्लस यूसीआर, यानी कि सबसे पहले कंडीशनल स्टिमुलस, फिर अनकंडीशनल स्टिमुलस और सबसे लास्ट में अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। देखिए पावलोव का जो सिद्धांत था वह अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत था। इन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। कंडीशनल स्टिमुलस यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक जो कि घंटी था, फिर अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक जो कि भोजन, और लार स्वाभाविक अनुक्रिया थी, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स था। इसका क्रम है सबसे पहले सीएस फिर यूसीएस प्लस यूसीआर, या इसे कह सकते हैं सीएस यूएस और यूआर। इस क्रम को आप याद रखिएगा,
हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चा किस प्रकार सीखता है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए पुस्तकें पढ़कर, ऑप्शन बी प्रश्न पूछकर, ऑप्शन सी परिचर्चा द्वारा, ऑप्शन डी कई प्रकार से। तो बच्चा किस प्रकार सीखता है कि बच्चा कई प्रकार से सीखता है। जो बच्चा होता है बालक संपूर्ण जगत में ज्ञान प्राप्ति के अनेक साधनों विधियों उपायों अनुकरणों एवं अनुभवों द्वारा सीखता है। केवल बालक पुस्तकें पढ़कर ही नहीं, प्रश्न पूछकर ही नहीं, परिचर्चा द्वारा ही नहीं, बालक तो कई प्रकार से ज्ञान ले लेता है, अनुकरण से, अभ्यास से, व्यवहार से, वातावरण से, सभी प्रकार से बच्चा सीखता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। टॉलमैन ने सीखने की प्रक्रिया के लिए किसे उत्तरदायी माना? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए वातावरण को, ऑप्शन बी अभ्यास को, ऑप्शन सी पुनर्बलन को, ऑप्शन डी बौद्धिक व्यवहार को। टॉलमैन ने सीखने की प्रक्रिया के लिए बौद्धिक व्यवहार को उत्तरदायी माना। एडवर्ड टॉलमैन नामक जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने चिन्ह अधिगम सिद्धांत दिया था, और इस चिन्ह अधिगम सिद्धांत के अन्य नाम है अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, चिन्ह आकार अधिगम, चिन्ह पूर्णकारवाद, संभावना सिद्धांत, प्रतीक अधिगम और अप्रकट अधिगम। इनमें से किसी भी नाम से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इनको आप याद रखिएगा कि टॉलमैन ने बौद्धिक व्यवहार को सीखने के लिए उत्तरदायी माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से सही युग्म नहीं है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए अन्वेषण का सिद्धांत जेरोम हेसब्रूनर, ऑप्शन बी शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आसुबेल, ऑप्शन सी अधिगम सोपानी की सिद्धांत रॉबर्ट गेने, ऑप्शन डी सामाजिक अधिगम सिद्धांत कोहलर। एक तरफ सिद्धांत है और एक तरफ उनके प्रतिपादक हैं। हमें बताना है कि सही युग्म नहीं है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत कोहलर ने नहीं दिया था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। कोहलर, कॉफका और वर्दीमर ने अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी अभ्यास, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी अधिगम स्थानांतरण। सीखी गई क्रिया का आप किसी अन्य परिस्थितियों में उपयोग कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण क्या है कि पहले से सीखी गई कोई विषय वस्तु का प्रभाव नई सीखी जाने वाली विषय वस्तु पर पड़ता है, इसे अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। यह स्थानांतरण सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। देखिए अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं पूर्व अनुभव, अभ्यास, सरल से कठिन की ओर, कौशल और उत्साह। ये सब आपके अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होगी? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ऑप्शन बी अम्ल क्षार लवण की परिभाषा लिखना, ऑप्शन सी 2, 4, 5, 10, 22, 23 इन अंकों में संबंध का पता लगाना, ऑप्शन डी इतिहास की तिथियां याद रखना। किस क्रिया के लिए अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत जो कि वर्दाइमर, कॉलर व कॉफका ने दिया था उसका हम प्रयोग करेंगे? सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी 2, 4, 5, 10, 22, 23 इन अंकों में संबंध का पता लगाना। देखिए आयत का क्षेत्रफल का सूत्र निश्चित है, अम्ल क्षार लवण की परिभाषा भी निश्चित है और इतिहास की तिथियां भी निश्चित है, लेकिन जो अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है यह समस्या का हल स्वयं को खोजने के लिए प्रेरित करता है। इसमें आपको संबंध का स्वयं ही पता लगाना है, आपके सामने केवल समस्या है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक नहीं है। ऑप्शन है हमारे,
ऑप्शन ए अधिगम करता, ऑप्शन बी आंतरिक अवस्था, ऑप्शन सी शिक्षक, ऑप्शन डी प्रेरक। किस घटक की आवश्यकता हमें सीखने के लिए नहीं होती है? ऑप्शन सी शिक्षक। देखिए सीखना जो है उस सीखने की घटना में अधिगम करता और उसके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य व प्रेरक तत्वों के समायोजन से पूर्ण होती है। सीखने की घटना के लिए अधिगम करता, उसका मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य और प्रेरक तत्व, इन सबके समायोजन से सीखने की घटना पूर्ण होती है। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कारक नहीं है। शिक्षक केवल छात्र को उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है जिससे बच्चे का अधिगम सुचारू रूप से चलता रहे। शिक्षक केवल वातावरण उत्पन्न करवाता है, सीखने की परिघटना के लिए आवश्यक घटक नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत में कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया था? 4 अवस्थाओं का। कौन कौन सी अवस्थाएं कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया? पहली है संवेदी गतिक अवस्था, जिसका समय है जन्म से 2 वर्ष। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। तीसरी है प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से अधिक वर्ष। यानी कि यह जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, संवेदी गतिक, पूर्व संक्रियात्मक, प्रत्यक्ष संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए समरूप तत्व सिद्धांत, ऑप्शन बी 2 तत्वों का सिद्धांत, ऑप्शन सी सामान्यीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत कौन से हैं? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। समरूप तत्व का सिद्धांत, 2 तत्वों का सिद्धांत और सामान्यीकरण का सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है। देखिए समरूप तत्व का सिद्धांत या समान तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, 2 तत्वों का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, पूर्ण कारवाद का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी ने दिया, सामान्यीकरण का सिद्धांत जड़ ने दिया, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत यह भी थॉर्नडाइक ने दिया और आदर्शों का सिद्धांत पागले ने दिया। यह सब अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है और उनके जनक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन बी विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है, ऑप्शन सी विद्यार्थी कभी कभी त्रुटियां कर सकता है, ऑप्शन डी त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी की त्रुटियां यानी कि जो गलतियां हैं वह अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। देखिए सीखने के दौरान होने वाली त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है जो यह तय करती है कि बालक शने शने यानी कि धीरे धीरे सीख रहा है। इसलिए अगर बच्चा त्रुटियां करे तो हमें उसको ये सोचना चाहिए कि वह हमारे सीखने के प्रोसेस का अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। आपकी कक्षा का एक छात्र गुटखा या सुपारी खाकर कक्षा में आता है, आप किसे उसकी इस हरकत का जिम्मेदार मानेंगे? ऑप्शन देखते हैं हमारे, ऑप्शन ए उसका सामाजिक वातावरण, ऑप्शन बी उसकी अंतः इच्छा, ऑप्शन सी कक्षा में स्वयं को सबसे अलग दिखाने का उसका तरीका, ऑप्शन डी उसका आपके प्रति द्वेष। एक बालक है जो कि गुटखा या सुपारी खाकर आपकी कक्षा में आता है तो उस हरकत का जिम्मेदार होगा उसका सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण जो होता है वह घर, विद्यालय या बच्चों के आवासीय वातावरण से संबंधित होता है और बच्चा वहीं से ही सीखता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27।
तल रूप सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए टॉलमैन, ऑप्शन बी गुथरी, ऑप्शन सी लेविन, ऑप्शन डी कोफका। तल रूप सिद्धांत किसने दिया था? तो तल रूप सिद्धांत दिया था लेविन ने, कुर्ट लेविन ने तल रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ कि कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए सामाजिक अनुबंधन, ऑप्शन बी शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन सी वाद्य अनुबंधन, ऑप्शन डी ऑपरेंट अनुबंधन। सही आंसर है हमारा ऑपरेंट अनुबंधन। ऑपरेंट अनुबंधन सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो कि स्किनर ने दिया था, यह दर्शाता है कि व्यवहार का विकास सकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा होता है और यह सकारात्मक पुनर्बलन उसके द्वारा प्राप्त परिणामों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अधिगम को दर्शाता है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, ऑप्शन बी स्वादिष्ट भोजन देकर मुंह में लार का आना, ऑप्शन सी चलना भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। अधिगम का उदाहरण कौन सा है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का शैक्षिक महत्व नहीं है। थॉर्नडाइक ने जो प्रभाव का नियम दिया था उसका शैक्षिक महत्व कौन सा नहीं है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए रुचियों में वृद्धि, ऑप्शन बी स्मरण शक्ति में कमी, ऑप्शन सी अपराधी बालकों का उपचार, ऑप्शन डी संवेगों पर नियंत्रण। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी स्मरण शक्ति में कमी। मनोवैज्ञानिक जो थॉर्नडाइक थे सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। जो नियम थे सीखने के मुख्य नियम कौन कौन से थे? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम। परिणाम के नियम को हम प्रभाव का नियम या संतोष का नियम भी कहते हैं।